तो आज हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिक्लेयर करने डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स। हम आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स मतलब कि डेटा टाइप के ऊपर, ठीक है सर। आपने मुझे कई बार या आप खुद भी या फिर आप इंटरनेट पे देखे होंगे कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं डिम आर एज ए इंटीजर, आज आर एज ए स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। तो ये आर जो हम डिक्लेयर करते हैं आखिर है क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए किसी मैक्रो में मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने किया सब आ यहाँ पे बैर यहाँ पे मैक्रो करते हैं, और मैंने बोला कि डिम के एज ए हमने बोल दिया इंटीजर। तो क्यों करते हैं और क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और कितने तरह के हैं और कई तरह के डिक्लेयर हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो देख दिख रहा है इसको हम लोग वेरिएबल्स करते हैं या कि डाटा टाइप। ये टेम्पररी सेविंग लोकेशंस होते हैं। आप मैथमेटिक्स यूज करते होंगे तो मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड ले लेते हैं, तो वो भी एक वेरिएबल ही होता है ना। उसी तरह से ये आपका एक वेरिएबल होता है। जैसे कि क्या होता है कि मुझे अगर वीवीए के अंदर में कैलकुलेशन करने हैं 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 का रिजल्ट जो 20 आया आखिर वो स्टोर कहाँ होगा। उसके लिए मुझे एक स्टोरेज पॉइंट तो चाहिए, तो मुझे स्टोरेज पॉइंट में देना होगा कि रेंज A1, अगर मैं वेरिएबल ना लू तो मुझे देना होगा कि A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 10 प्लस 10, तो A1 की वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो फिर इसके लिए मुझे A1 को खाली रखना पड़ेगा हमेशा, क्या सर। मुझे A1 को हमेशा खाली रखना पड़ जाएगा, तो इस चीज से बचने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे के इक्वल टू 10 कर देते हैं। और फिर मुझे जहां चाहिए जैसे मैंने बोला मैसेज एमएसजी बॉक्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ के इस्तेमाल कर देता हूँ, समझ गए सर। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो देखिए 20 आ गया। तो हमें कैलकुलेशन हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया, इन सब चीजों के लिए हम पहले वेरिएबल्स को लगाते हैं। समझ गए सर। तो इसका यूज क्या होता है समझ गए। दूसरा मान लीजिए कि इनपुट बॉक्स में होता है। आपको याद होगा मैंने एक प्रोजेक्ट कराया था डेटा सेपरेशन का माइक्रो रिकॉर्डिंग में, तो मैंने वहां पे इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल किया था, तो वहां पे मैंने वेरिएबल लिया था। क्यों डेटा सेपरेशन का नहीं हुआ अभी तक कुछ। रिकॉर्डिंग मैक्रो को एडिट करना सिखाया था ना, तो हाँ, रिकॉर्डिंग मैक्रो को बताया था कुछ। उसमें आपको मैंने एक बताया नहीं था कि एक सीन से डेटा लेते हैं, इसलिए बताता हूँ। नहीं बताया तो सर। पहला पहली बात होगी कैलकुलेशन को स्टोर करने की। पहला यूज आपको दिख गया कि किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन को स्टोर करना है, समझ गए। दूसरा होता है इनपुट को लेना, तो सर वही मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग मैक्रो, चलिए बताता हूँ आपको मैं, कि मैंने एक रिकॉर्ड मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया। मैंने यहाँ फिल्टर लगाया और मैं सिटी में जाता हूँ, सिटी में मैंने दिल्ली ले लिया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी किया स्पेशल, और मैंने यहाँ पे विजुअल सेल्स ओनली करके ओके किया, कॉपी किया, नई सीट ऐड की, उसमें जाके डेटा को पेस्ट किया और फिर सिटी का नाम जो है दिल्ली कर दिया, ठीक है। और इसमें और भी आगे प्रोसीजर हो सकते थे लेकिन फिलहाल हमने इतना ही लिया।
है। अब मैं इस मैक्रो को रिकॉर्ड जो किया है उसको एडिट करता हूं ताकि ये हमारे अकॉर्डिंग चल सके। उसके बाद ये देखिए ए ए वन हटा, इसमें ए वन सिर्फ रखते हैं क्योंकि फिल्टर ए वन से भी लग जाता है। बाकी सब चीज़ कॉपी पेस्ट सीट पेस्ट सीट टू डॉट सेलेक्ट, इसको हटा देते हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक्टिव सीट को लेके डाल देता हूँ कि भाई एक्टिव सीट, क्योंकि जो सीट ऐड वही इंसर्ट होती है। अब मेरा मैक्रो ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ जब मैक्रो मैं रन करूँ तो मेरा जब मैक्रो में रन करूं तो मेरा जो ए है क्या बोलते हैं, मुझसे पूछे कि मैं किस सिटी का, अभी अभी तो दिल्ली फिक्स है ना, लेकिन जब मैं रन करूं तो मुझसे पूछे कि मैं किस सिटी का डेटा चाहता हूं, जो सिटी में एंटर करूं उसी सिटी का डेटा यहां पे दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हमने बोला कि डिम आर एज ए वेरिएंट, ठीक है। मैं आर इक्वल टू कर दिया इनपुट बॉक्स और यहां पे बोला कि एंटर सिटी, सर वहाँ वर्जन है वेरिएंट ओ सॉरी गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, सर वेरिएंट कब यूज होता है? बताऊंगा अभी सारा चीज बताऊंगा। मैं पहले आपको यूज समझा रहा हूं, समझे। और हमने जहां जहां हमें सिटी चाहिए वहां हमने इसको आर ले लिया। अब एक चीज बताइए कि अगर मुझे यहां पे वेरिएबल ना भी ले सकता था, मैं डायरेक्ट जो मैंने इनपुट बॉक्स यहां लगाया है मैं इनपुट बॉक्स यहां भी लगा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया तो क्या बेनिफिट हुआ कि जैसे मैं सीट पे जाता हूं और मुझ मैं यहां पे आ जाता तो हूं, हाँ मैं यहां से रन करता हूं मैक्रो, मुझे सिटी नेम पूछता है, इनपुट बॉक्स का जो कमांड डाला उसका फायदा ये हुआ, मान लीजिए कि मैंने यहां पे जीजीएन डाल दिया और ओके करता हूं तो मेरा रिपोर्ट कॉपी होके पेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करता तो इसमें क्या दिक्कत, क्या होती दिक्कत होती कि यहां पे भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहां भी पेस्ट कर दूंगा तो मुझसे वो दो बार सिटी का नाम पूछेगा, एक बार फिल्टर लगाने के लिए और दूसरा बार सीट का नेम चेंज करने के लिए। अगर इसी तरह से मान लीजिए कि अभी तो इसमें दो ही बार है, हो सकता है कि आपके पास 20 बार वेरिएबल का यूज किया हो तो 20 बार आपको नाम डालना पड़ेगा। तो एक बार कैलकुलेशन करके या यूजर से लेके आप डेटा को कहीं एक जगह पे होल्ड कर दो और फिर आपको जहां जहां वो डेटा चाहिए वहां उस डेटा को आप उठा लो, तो ये हमारा वेरिएबल का इस्तेमाल है, समझ गए। यस सर। अब चलिए वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में देखते हैं। वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में एक बार देखते हैं। टाइप्स, वेरिएबल का टाइप क्या है इसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है बाइट। टाइप जो है स्टोरेज एंड स्टोरेज के अकॉर्डिंग है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग है, टाइप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नहीं क्या बोलते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी एंड टाइप के डिपेंडिंग इसको लोग कास्टिंग करते हैं। तो मैं बोला डिम आर एज ए बाइट, तो बाइट जो हुआ ये नंबर स्टोर करेगा, ठीक है। इसका कास्ट क्या हुआ, नंबर का हुआ, पर इसकी जाति नंबर की हुई, लेकिन बाइट इसकी जो कैपेसिटी हुई वो 0 से 255 की होती है। ये डेसिमल्स और माइनस दोनों को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब कि आर इक्वल टू आप अगर 900 कर दिया, 696 मैंने लिख दिया तो इस पे आएगा क्या बोलते, ओवरफ्लो का एरर आएगा, ठीक है।
अगर मैंने यहाँ पे 5.6 डाल दिया तो सिर्फ 5 को लेगा, 0.6 को वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर माइनस मैंने डाल दिया, माइनस डाल दिया तो फिर आएगा टाइप मिसमैच का, या फिर टेक्स्ट डाल दिया तो टाइप मिसमैच का एरर आएगा। उसी तरह से दूसरा जो होता है हमारा वो होता है डिम आर एज ए बुलेन। बुलिन बुलिन क्या करता है कि इज जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। मान लो कि अगर नहीं दिख रहा है क्योंकि आर दो एक ही नाम के दो नहीं होने चाहिए, मैंने यहाँ पे बी कर दिया, बी इक्वल टू बुलिन, तो बी इक्वल टू करते ही आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। तो बुलिन क्या करता है, ए जीरो एंड वन मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है, ठीक है। ये भी नंबर की कैटेगरी में आता है। फिर इससे बड़ा अगर चले तो डीम आई एज ए इंटीजर। इंटीजर जो है ये बड़ा है बाइट से बुलियन से, ये आपको माइनस भी लेता है प्लस भी लेता है, लेकिन डेसिमल नहीं लेता है और 32,000 समथिंग तक ही लेता है। कि मैं आई इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 500 कर दूं, नहीं 50,000 कर दूं, तो ये आपको ओवरफ्लो का एरर देगा। तो -32,000 से +32,000 समथिंग तक ये आपका एक्सेप्ट करता है, इससे आगे नहीं करता है। डिम आई एज ए इंटीजर, इंटीजर जो डेटा टाइप है। इंटीजर से बड़ा चलेंगे तो लॉन्ग है, कि एल एज ए हमने दे दिया लॉन्ग, लॉन्ग डेटा टाइप। ये माइनस और प्लस दोनों में बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें आपका वेरिएबल इस्तेमाल क्या बोलते हैं, इसमें डेसिमल्स भी होते हैं, डेसिमल्स नहीं लेता है, ठीक है, अरबों खरबों में लेता है लेकिन डेसिमल्स नहीं लेता है। और एक आपके पास नेक्स्ट आता है कि डिम डी एज ए डबल। डबल डेटा टाइप जो है वो आपका डेसिमल भी एक्सेप्ट करता है और सबसे बड़ा होता है, समझे। सर और इसका एक और इस्तेमाल होता है हम इसको वैलिडेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे अगर मान लीजिए के इक्वल टू मैंने यहाँ पे 50.60 है हमारा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें डेसिमल्स नहीं लेना है, मुझे राउंड करके लेना है, समझ गए। तो आपको यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं डिफाइन कर दिया कि के इक्वल टू लॉन्ग, मैंने इंटीजर है ना यहाँ पे लॉन्ग 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 डिफाइन कर दिया, तो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक इसको राउंड राउंड कर देगा। अगर इन इन इंटीजर रहेगा तो क्या करेगा, वो डेसिमल्स को रिमूव कर देगा, मतलब कि सिर्फ 50 लेगा, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग क्या करेगा, 51 लेगा, मतलब कि वो राउंड कर देता है। तो आपको राउंड का फंक्शन लगाने से तो बच गए, एक बेनिफिट आपका ये हो गया। उसके बाद अब बात आती है स्ट्रिंग की। अगर आपको टेक्स्ट लेना है या कुछ भी लेना है तो उसके लिए एज ए हम स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर पे ऊपर में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसके अपने ऊपर पे नंबर टेक्स्ट कुछ भी आप डाल सकते हो, बट वो नॉन कैलकुलेटिव होता है, उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा। और आपके पास आता है डिम डी टी एज ए डेट। तो इसमें डेट इंक्रीमेंट डी टी इक्वल टू अपने हिसाब से जिस जैसा मर्जी तैसा डेट डाल लिख सकता हूं, तो उसको डेट में कन्वर्ट करके एज ए डेट बना देगा। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे लिख दीजिए कि डिम आर वी, हाँ वी एज ए वेरियंट। तो वेरियंट क्या हुआ, वेरियंट मतलब कि ये होता है जनरल टाइप, मतलब कि अगर मैंने वी इक्वल टू नंबर लिख दिया तो ये नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा, अगर मैं वी इक्वल टू डेसिमल से दिया तो ये डबल फॉर्मेट में हो जाएगा, अगर वी इक्वल टू लिख दिया टेक्स्ट एसटीआर लिख दिया तो ए स्ट्रिंग में हो जाएगा। डेट लिख दिया तो डेट पे जैसा टाइप करोगे वैसा अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। अब बोलोगे कि
तो मैं सिर्फ इसी को ही क्यों अब लाइव करूं, इतना झमेला क्यों याद रखूं? तो सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि एक्सेल में आप कुछ भी कीजिएगा तो एक स्टोरेज जो है, मतलब एक्सेल में आप कुछ भी कीजिएगा तो एक लोकेशन पे एक स्टोरेज तो लेता ही लेता है, समझ रहे? तो जैसे कि हमने बाइट किया तो एक बाइट का स्पेस कैप्चर करेगा, हमने बुलेन किया तो 2 बाइट्स का। अगर मैं ये किया इंटीजर किया तो 4 बाइट का, अगर मैं डबल किया तो 8 बाइट का, डेट किया तो 4 बाइट का। ठीक है, स्ट्रिंग करोगे तो सबसे ज्यादा आपका वही 8 बाइट या 16 बाइट या उस पर टाइप की गई स्ट्रिंग का अकॉर्डिंग चलता है। और अगर वेरिएंट करोगे तो सबसे ज्यादा आप 16 से 32 बाइट का वो स्पेस उस पर डलता है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन उठता है कि वेरिएंट में सबसे ज्यादा लगता है वेरिएंट। तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो 4 GB का रैम है, 8 GB का, 8 GB का रैम है, 1 TB का, 2 TB का हार्ड डिस्क है, तो KB में है। तो एक स्टोरेज का मतलब कि एक माइक्रोज का एक लिमिटेशन होता है कि जैसे आरा नाम का माइक्रो बनाया, इसमें आप 100 का बोलते हैं 255 KB से ज्यादा का माइक्रो अगर होगा तो प्रोसीजर टू लार्ज का एरर दिखेगा। समझ गए? तो रुपेश जी समझ में आया? कि आपका आप अगर बहुत छोटे मोटे अगर माइक्रो बनाता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा माइक्रो बनाओगे तो उसमें फर्क पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं सर? बताइए एक माइक्रो फाइल की 255 KB, और एक मैक्रो फाइल की मिनिमम साइज कितनी बताई आपने? टू मिनिमम नहीं, मैक्सिमम फिफ्टी साइज केबी ओके 55 सर। KB। ओके सर। 255 KB से अगर बड़ा हुआ तो फाइल एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ गए? तो यस अगर आपने बड़ी छोटे मोटे माइक्रो में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपने बड़ा माइक्रो यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रोसीजर टू लार्ज का एरर आएगा और आपका ये वर्क नहीं करेगा सही से। समझ गए? तो यस सर। इसलिए तो आज की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया डेटा टाइप के बारे में, ठीक है? इसको एक बार अपने हिसाब से देख लो, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में लिखना है तो बुक आप लोगों को मिला है? बुक ठीक नहीं सर। है, मैं आपको बुक एक मेल कर दूंगा। उस बुक के अंदर में अगर आप जाते हैं तो उस बुक के अंदर में आपको एक ये मिलेगा, क्या बोलते हैं,
पेज नंबर 199 चैप्टर है जिसमें बताया गया है इसके इसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? और कल हम वेरिएबल्स की, ये क्या फाइल, बोलना? ठीक फाइल भी सेंड कर दो। है, मैं सेंड कर दूंगा। और आपके पास जो ओके सर। आपके पास क्या बोलते हैं, एक बुक भेजूंगा, बुक में 199 का चैप्टर है, 199 नंबर का पेज है, 1999 नंबर पेज है, उस पेज में आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है, ठीक है? ओके सर, ओके सर, तो कल हम डेटा टाइप की, ऑब्जेक्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर अभी फ्री हो गया, मैं आपको कॉल करूं? ठीक, सर कॉल करूं आपको मैं? हाँ करिए करिए। ओके चलिए, करो सर।